हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। तो आप सबने अब तक नोटिफिकेशन बेसिकली देख ली होगी यूपीएससी की। यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पोस्टपोन होकर के सीधे अब 4 अक्टूबर को चला गया है और मेंस एग्जामिनेशन पोस्टपोन होकर के 8 जनवरी 2021 को चला गया है। तो देखेंगे कि आखिर में ये जो 120 दिन हमें गोल्डन पीरियड मिला है, गोल्डन डेज मिले हैं, इसको कैसे यूज करना चाहिए, कैसे हम मेंस ओरिएंटेड रह करके भी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, 120 दिनों से ज्यादा कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक द एग्जामिनेशन। तो आप लोगों ने ऑलरेडी जान रहे हैं कि एक्सटेंड हो चुकी है डेट, 4 अक्टूबर हो गई है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहे। तो लेट अस स्टार्ट द स्ट्रैटेजी फर्स्ट, देखेंगे प्रीलिम्स के साथ मेंस में क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए एक टेबल बनी हुई है, यहां पर आपको प्रीलिम्स के सारे सिलेबस लिखे गए हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। यहां पर जब आप देखेंगे तो सिलेबस वाइज अगर मैच करें तो देखिए पॉलिटी में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स में एक तो इकोनॉमिक्स के बेसिक, साथ में इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ जा रहा होता है। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में आ जाती है। ज्योग्राफी में फिजिकल इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये तीन पार्ट में आ जाते हैं। एनवायरनमेंट में बेसिक्स हो जाती है, बेसिक्स के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ जाता है। और साइंस एंड टेक में तो आपको पूरी की पूरी जितना ज्ञान आप बटोर सकते हैं उतना ज्ञान बटोर लेंगे, बाकी आप करंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़ ही रहे होते हैं। तो देखिए इसमें करना ये होगा कि आप अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, बट ये ऐसे सिलेबस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कोलैप्स, एक तरीके से कह लीजिए कि कोइंसाइड किए रहते हैं, एक ही जैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। करना सिर्फ ये है कि जब भी आप इन लोगों को अब वापस रिवीजन करेंगे या प्रिपरेशन करेंगे तो आपको थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड रह करके पढ़ना है। केवल और केवल फैक्ट नहीं देखने, आपको यूपीएससी के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में, या फिर कोई टेस्ट सीरीज अगर आपने परचेज किया होगा, या एनी हाउ आपने क्वेश्चंस अरेंज किए होंगे, तो आप थोड़ा सा उससे मैच करके पढ़ेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल सारी की सारी बुक्स भी वही है, नॉलेज भी वही है, बस थोड़ा सा कंप्रीहेंड करने की बात होती है कि अभी तक हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड केवल फैक्चुअल चल रहे थे, अब हम लोग थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड, पॉइंट ओरिएंटेड, कंसेप्ट ओरिएंटेड भी रह करके देखेंगे। तो आपको बस यही एक स्ट्रैटेजी अपनानी होगी मेरे हिसाब से, जहां पर आपको ये प्रीलिम्स के साथ साथ के सब्जेक्ट तैयार कर लेना चाहिए। देखिए करने को बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे, एथिक्स पढ़ लो, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लो, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लो, बट एक्चुअल में होगा क्या, जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको एक डर लगेगा कि यार मैं मेंस की पढ़ रहा हूं, प्रीलिम्स मेरा नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा। इस वजह से केवल आप उतने ही सब्जेक्ट पढ़िए, उतने ही सिलेबस को कवर करिए जो प्रीलिम्स के साथ में कॉमन हो रहे हों। साथ ही साथ हर दिन आपको 3 घंटे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? इसलिए निकालना होगा क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में केवल और केवल 93 डेज का ही ब्रेक है। हालांकि नॉर्मली भी यही रहता है, लेकिन इसके साथ में दिक्कत भी हो जाती है। इफ इन केस, जैसा मैंने आपको बताया, अगर वो कॉमन सब्जेक्ट साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जरा कॉमन देख लेते हैं और टाइम देख लेते हैं कितना लगने वाला है। तो पेपर वन में जब आप सिलेबस देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी और सोसाइटी हो जाती है, जहां पर सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो आपके लिए नया रहेगा, काफी छोटा है, 5 दिन बहुत ज्यादा है आपको कंप्लीट करने के लिए। साथ ही साथ आप आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया और ज्योग्राफी को भी रिवीजन कर सकते हैं प्रीलिम्स के बाद भी। तो आपका इस तरीके से पेपर वन 5 दिन के अंदर अंदर में खत्म हो जाएगा। पेपर टू की अगर बात करें तो पॉलिटी गवर्नेंस ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स में कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस आपको करने होंगे, जो कि मैक्सिमम 15 डेज लगेंगी, 15 डेज से आपको एक भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो आपका 15 दिन के अंदर अंदर में पेपर टू भी तैयार हो गया। पेपर थ्री एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, केवल एक टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी बच गई आपको जो पढ़नी है, मैक्सिमम 7 डेज लगेंगे, से ज्यादा अगेन नहीं लगेगा। पेपर फोर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पूरी तरीके से नया सब्जेक्ट रहेगा, पूरी तरीके से नया टॉपिक रहेगा, तो मैक्सिमम 15 दिन आपको लगेगा इंटीग्रिटी को कंप्लीट करने में। साथ ही साथ आपका जो ऑप्शनल है, ऑलरेडी आप 3-3 घंटे अगर 120 दिन लेकर के दिए रहेंगे तो हर दिन 360 घंटे आपने टोटल बना लिया। और पूरी ऑप्शनल तो हालांकि आप पूरी पढ़ चुके होंगे, एटलीस्ट कम से कम नोट तो आप बना ही चुके होंगे, तो 15-15 दिन आपको रिवीजन करने में लग जाएगा। टोटल मार्कर के 72 डेज में आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे। अभी भी आपके पास नियर अबाउट 21 डेज अवेलेबल है, आप इसमें अपना एसे राइटिंग कर लीजिए, या फिर आपको जो भी इधर उधर की चीजें, करंट अफेयर्स भी पढ़नी है वो भी पढ़ सकते हैं, या जितनी भी चीजें अगर आपको रिवीजन करनी है वो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यहां पर देखिए मैंने राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कि इसमें आप पढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब आप टेस्ट पेपर करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
तो देखिए ये थी हमारी पूरी की पूरी जो डिस्कशन थी स्ट्रैटेजी की, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और बाकी आपके पास भी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, आप अपनी स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं। इट इट ऑल डिपेंड्स, अल्टीमेटली द अल्टीमेट गोल इज टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, चाहे वो आप मेरे तरीके से करिए, चाहे वो आप अपने तरीके से करिए, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल है जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड भी है, बाकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसको कि आप लोग। सो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट दिस टुडेज स्ट्रेटजी। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने नए टॉपिक्स के साथ, नए फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।